All right, दोस्तों वक्त आ गया आपको बताने का कि सबसे अच्छे लैपटॉप्स वो भी 40,000 के नीचे वो भी फॉर स्टूडेंट्स एंड वर्किंग प्रोफेशनल्स कौन से हैं हमारे हिसाब से। बहुत ज्यादा रिसर्च करते हैं दोस्तों, बहुत सारी चीजें देखते हैं, अलग अलग क्राइटेरियाज देखते हैं, उसके बाद में आप तक ये लिस्ट पहुंचाते हैं। और एक बात कहूं, ये 5 महीने के बाद हम वीडियो कर रहे हैं, पिछले 3-4 महीने में इतने सारे स्मार्टफोन्स आ रहे थे कि हमें टाइम नहीं मिला, बट दिस वॉज ऑन आर रडार। जी हाँ, ये ध्यान से देखिए। और एक बात कहूं, ये वीडियो आप स्टोर कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ जो लैपटॉप्स लेने वाले हैं, क्योंकि बहुत सारे पैसे बचने वाले हैं। और मैं आपको कुछ टिप्स भी देने वाला हूं, जब आप लैपटॉप खरीदते हो तो आपने क्या क्या ध्यान देना चाहिए, सब कुछ देखिए, ध्यान से देखिए, एंड तक देखिए। और वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करना मत भूलिए। चलिए लेट्स स्टार्ट। मिनिमम बेसिक बेंचमार्क रखा हुआ है, क्राइटेरिया है कि कम से कम अगर मैं 40,000 रुपए दे रहा हूं, 35-40,000, तो i5 तो चाहिए, कोर इंटेल का i5 11 जनरेशन इज ओके, क्योंकि उससे 12th या 13th है वो महंगे जाते हैं, बट अंडर 40,000 आपको 11 जनरेशन का कोर i5 प्रोसेसर होना चाहिए, या फिर राइजन का 5 5500U जो प्रोसेसर है वो होना चाहिए। कम से कम 8GB रैम होनी चाहिए, 512GB SSD स्टोरेज होना चाहिए, एंड अलग अलग डिस्प्ले साइजेस, 14 इंच वाला भी है जो बेसिकली पोर्टेबल है, एंड 15.6 इंच जो बड़े स्क्रीन के साथ आता है, अगर बड़ी स्क्रीन चाहिए तो उसके पास आप देख सकते हो। हाँ, लेकिन एक इंपॉर्टेंट बात, बैटरी बहुत इंपॉर्टेंट हो गई है, 6 घंटे के ऊपर बैटरी लाइफ चाहिए, 6-7 घंटे कम से कम बैटरी लाइफ होनी चाहिए। और हाँ, वेबकैम, जूम मीटिंग्स बहुत करते हैं तो कम से कम HD वेबकैम तो होना चाहिए, अगर फुल HD होगा तो और भी अच्छा, बैकलिट कीबोर्ड होगा तो और भी अच्छा, अगर बिल्ड क्वालिटी में एल्यूमिनियम चैसिस या एल्यूमिनियम फ्रेम होगी तो और भी अच्छा, बट दैट इज नॉट द बेसिक क्राइटेरिया, क्योंकि इसमें कुछ कुछ प्लास्टिक फ्रेम वाले भी है। ऑलराइट, तो 5वें नंबर पे आता है दोस्तों रेडमी बुक प्रो। वैसे एक चीज बता दूं आपको कि इनकी प्राइस, कुछ कुछ लैपटॉप्स की प्राइस 42-43,000 है, लेकिन हमेशा आपको कभी भी जाइए, सेल हो ना हो, फिर भी 10% आपको कार्ड्स के साथ ऑफ मिलता है, तो प्राइस, इफेक्टिव प्राइस जो है 40,000 के नीचे आती है। तो 5वें नंबर पे रेडमी बुक प्रो आता है दोस्तों, जिसमें 15.6 इंच FHD स्क्रीन है, विंडोज 11 होम भी मिलता है, एंड इसकी जो बैटरी है दैट इज 46 वाट आवर, 10 घंटे तक बैटरी लाइफ मिलती है, अप टू 10 आवर्स। तो अगर आपको एक लैपटॉप चाहिए जिसकी बैटरी बहुत अच्छी हो एंड 15.6 इंच की स्क्रीन वगैरह हो, तो डेफिनेटली आप इसके पास देख सकते हो। 39,990 प्राइस है, इफेक्टिव प्राइस विथ कार्ड डिस्काउंट आपको कुछ 35-36,000 तक ये मिल जाएगा, सो नॉट बैड एट ऑल। 4वें नंबर पे आता है, बेसिकली ये स्टूडेंट वर्किंग प्रोफेशनल अगर आप हो, काम बहुत ज्यादा कर रहे हो, तो स्पेशली ये आपने देखना चाहिए, एसर एक्सटेंसा 15। इनफैक्ट एक्सटेंसा सीरीज जो है एसर की, वो वर्किंग प्रोफेशनल्स के लिए ही है। अगेन बड़ी स्क्रीन है, 15.6 इंच की, 512GB SSD मिलता है, i5 11 जनरेशन तो है, इंटेल आइरिस XE ये इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स कार्ड आता है, थोड़ा हैवी है, 1.7 kg, थोड़ा नहीं है, ठीक ठाक है, मतलब ज्यादा भी हैवी नहीं है, 1.7 kg का है, विंडोज 11 होम मिलता है, 45 वाट आवर की बैटरी है, 8 घंटे तक बैटरी लाइफ मिलती है, 42,990 इसकी प्राइस। इसकी बिल्ड क्वालिटी जरा ज्यादा अच्छी है, सो दैट्स व्हाई स्लाइटली ऑन द एक्सपेंसिव साइड, बट इफेक्टिव प्राइस 40,000 के नीचे मिल जाता है, डेफिनेटली एट नंबर 4। और दोस्तों अगर आपको एक AMD Ryzen प्रोसेसर चाहिए तो आप इसके पास देख सकते हो, जो 3rd नंबर पे, Lenovo IdeaPad 3। जी हाँ, अगेन 15.6 इंच FHD प्लस स्क्रीन, FHD स्क्रीन है, आदत हो गई FHD प्लस कहने की स्मार्टफोन की वजह से, बट FHD फुल HD स्क्रीन आती है इसमें, Ryzen 5 5500U का प्रोसेसर है, AMD Radeon ग्राफिक्स कार्ड आता है, विंडोज 11 होम, वो सब चीजें हैं। इसमें खास बात यह है कि आपको बैकलिट कीबोर्ड मिलता है, MS Office 2021 ये सब तो है, इसमें 7 घंटे की बैटरी लाइफ है, 42,999 प्राइस है, ओवरऑल दोस्तों डेफिनेटली अच्छा है, बैकलिट कीबोर्ड वगैरह चाहिए, अंधेरे में ज्यादा आप टाइपिंग वगैरह करते हो, देन यू कुड लुक एट दिस Lenovo IdeaPad 3। वैसे दोस्तों टॉप 2 पे आ गए, लेकिन जो नंबर 1 पे है ना, वो हम भी बाय करते हैं, मतलब हमारे ऑफिस के लिए, लोगों के लिए हमने वही बाय किया है, वी प्रीफर दैट। बट दूसरे नंबर का जो है दोस्तों, वो है इन्फिनिक्स का इनबुक X2 प्लस, अभी लॉन्च किया है, इन्फिनिक्स नई कंपनी है, बट अगर आप स्पेक्स के पास देखोगे डेफिनेटली ये नंबर 2 पे है। 300 nits ब्राइटनेस वाला 15.6 इंच का डिस्प्ले है, 8GB रैम, 512GB स्टोरेज, और याद रखिए दोस्तों, ये सभी जो लैपटॉप्स बताए हुए, अगर आपको एक्सपैंड भी करना है तो एक एक्स्ट्रा स्लॉट मिलता है, मतलब 8 से 16GB रैम कर सकते हो, 512 से 1TB है, उससे ज्यादा आप स्टोरेज बढ़ा सकते हो, तो ये फ्यूचर प्रूफ भी है। इसमें भी बैकलिट कीबोर्ड आता है, 11 जनरेशन का i5 प्रोसेसर, इंटेल आइरिस XE ग्राफिक्स कार्ड है, वेबकैम फुल HD वेबकैम आता है, मतलब 1080p वेबकैम आता है, अगर आप बहुत ज्यादा जूम कॉल्स वगैरह करते हो, वीडियो मीटिंग्स वगैरह करते हो, तो डेफिनेटली आपने इसके पास देखना चाहिए। इसकी और एक बात अच्छी है दोस्तों, 10 घंटे तक आपको बैटरी लाइफ मिलती है, जी हाँ, 50 वॉट आवर की बैटरी है, 65 वॉट चार्जिंग है, और ये 39,900 इसकी प्राइस भी अच्छी, तो वैल्यू फॉर मनी के हिसाब से दोस्तों डेफिनेटली इन्फिनिक्स इनबुक X2 प्लस जो है नंबर 2 पे आता है। अगर आपको एक पोर्टेबल लैपटॉप चाहिए, 14 इंच वाला, छोटे स्क्रीन का चाहिए, बहुत ज्यादा आप दिन भर काम करते हो तो आंखों को आपको ज्यादा परेशानी नहीं होनी चाहिए, ऐसा कुछ लैपटॉप चाहिए और 40,000 के नीचे चाहिए, तो हमारा जो नंबर 1 का लैपटॉप है वो आपने देखना चाहिए, हम भी इसे बाय करते हैं, Honor MagicBook X 14। जी हाँ, 14 इंच की FHD स्क्रीन है दोस्तों, एंड TUI Rhineland
सर्टिफिकेशन आता है इसके अंदर, 8GB रैम, 512GB स्टोरेज, i5 11 जनरेशन, आईरिस XE ग्राफिक्स कार्ड, हल्का भी है, मैंने जैसे कहा हल्का भी है, 1.38 kg है सिर्फ, विंडोज 11 होम है, एंड इसकी जो बैटरी लाइफ है 9 घंटे की है, तो बैटरी के मामले में ये बहुत अच्छा है। प्राइस 42,990 है, इफेक्टिव प्राइस 38,39,000 हो जाती है, उस हिसाब से ब्यूटीफुल एक्सेलेंट लैपटॉप। इसकी बिल्ड क्वालिटी भी अच्छी है, इनफैक्ट नहीं ये सैमसंग का है, बट जनरली जो सभी लैपटॉप्स 80% लैपटॉप्स हमारे ऑफिस में सब यही है, ऑनर मैजिक बुक। So you can definitely look at it. जो भी लैपटॉप मैंने बताए हुए सभी के लिंक्स मैंने दिए हुए, इनफैक्ट हमने एक पेज, हमारा जो प्रोडक्ट डिस्कवरी प्लेटफॉर्म है उसके ऊपर पूरा एक पेज बनाया हुआ है इस 5 लैपटॉप्स के साथ, जरूर विजिट कीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूँ, पिन कमेंट में दे रहा हूँ, जरूर जाके देखिएगा। एक बात दोस्तों, आपके लिए बहुत ज्यादा रिसर्च करके, ये 4-5 मिनट का वीडियो है लेकिन इसके पीछे 40-50 घंटे जाते हैं रिसर्च करके आप तक पहुंचाने के लिए, बिकॉज वी टेक इट वेरी सीरियसली कि आप जब कोई बाइंग डिसीजन करते हो, 30,000-50,000 खर्चा करते हो, इट इज आर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू एंश्योर दैट यू टेक द राइट डिसीजन। और इसीलिए दोस्तों अगर ये वीडियो अच्छा लगा लाइक करना मत भूलिए। इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो तक कीप ट्रैकिंग एंड स्टे सेफ।